प्यार होता है जी। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। Once more. तो गाइस लगता है मेरा दिल कहीं खो गया है। क्या बोला तूने? गाइस आपका ध्यान किधर है? संतरे वाला इधर है। वही आती मामा। देखा जो तूने मेरी तरफ, तेरे दिल में उतर जाऊंगा। देखा जो तूने मेरी तरफ। आप समझ नहीं सकते, आप लोग बच्चे हैं अभी। तुमने ये खरीद के लिया? ये क्या ले लिया? हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे यार। तो हमारे सीहोर में ना गोवर्धन के त्यौहार पे ना काले पहाड़ पे बहुत बड़ा मेला लगता है यार। तो गाइस काले पहाड़ के पीछे लगता है 12 खम्भे के नाम से जाना जाता है। इस 12 खम्भे के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक भी खम्भा नहीं वहाँ पे यार। पता नहीं गाइस क्योंकि वहाँ पे 12 खम्भा क्यों बोलते हैं उसको, लेकिन वहाँ पे ना बहुत बड़ा मेला लगता है यार। भाग के कहाँ जाएगी? कुछ के इलाके में मेला लगेगा। इसकी माँ का भोला चेहरा साले खाते हैं, आके भूल भी जाते हैं। अभी हम आए थे सीहोर के 12 खम्भा बोलते हैं इससे, क्योंकि यहाँ पे मेला लगा हुआ तो बहुत ही बढ़िया सच में यार। काफी बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, हर साल लगता है। ये मेरे मामा जी हैं पीछे, सारी फैमिली आई थी हम यहाँ पे। भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गाइस अब हम जाने वाले थे बाबा के दर्शन करने के लिए। तो गाइस हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। बदलना यार मुखड़े पे काला काला चश्मा। अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। ये चश्मा कैसा लग रहा है यार? ये ठीक है? ठीक है, है ना? गाइस कैसा लग रहा हूँ? तो फाइनली गाइस ये चश्मा पसंद किया मैंने, बताइएगा कैसा लग रहा हूँ यार मैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ठीक रहा हूँ यार, ज्यादा बुरे भी शकल नहीं अपनी। क्या बोला तूने? ज्यादा बुरे भी शकल नहीं अपनी। ये महाराज के दर्शन किए हमने यहाँ पे। तो फाइनली गाइस दर्शन कर लिए बाबा के अब हमने। अपने दीवाने का कर दे पूरा रे, अखियों से गोली मारे। तो यहाँ का नेचर देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सा नेचर लग रहा है यार। ठंड भी लग रही है, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रही है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो हो रहा।
आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? वही आती मामा। देखा जो तूने मेरी तरफ, तेरे दिल में उतर जाऊंगा। देखा जो तूने मेरी तरफ, तेरे दिल में उतर जाऊंगा। तेरे लिए ही मैं जी रहा हूँ, तेरे लिए। So guys, झूला पार्टी। आपने झूला कभी झूले पे? बड़ा मजा लग रहा है, लगता मैं भी रहा है, मैं भी चल जाऊं यार। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तेरे लिए मैं जी रहा। इसके लंबे लंबे काले काले नागिन से बाल रे, अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे। तो गाइस हो गई पंचर गाड़ी, और क्या गाइस, गाड़ी पंचर हो गई यार। और मुझे समथिंग दोस्तों 15 से 20 किलोमीटर जाना है यार, क्योंकि यहाँ से काले पहाड़ सीहोर की दूरी बहुत दूर है। समथिंग 15-20 किलोमीटर मुझे जाना है, और बीच उसमें गाड़ी पंचर हो गई यार। जा रहा हूँ गाइस टंकी पे बैठ के यार। टंकी पिट के जा रहा हूँ। अच्छा गाइस, एक मेरे माइंड में आइडिया आया, तब मैं टंकी पे बैठ के चला आया। जी हाँ दोस्तों, मेरे माइंड में बहुत बढ़िया सा आइडिया आया, और मैं टंकी पे बैठ के पंचर की दुकान पे चला आया। जी हाँ दोस्तों, टंकी पे बैठने के अलावा मेरे पास कोई भी उपाय नहीं था यार। मतलब घूमने आए थे बाराखम्मा, लेकिन बारह खम्बे ने सच में हमें घुमा दिया यार। पंचर की दुकान पूछते पूछते जाना पड़ रहा है यार, कितना वो हो रहा देख लो यार। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है मेरी ये हो गई थी गाइस, मैं अपना ट्राइपॉड है ना, वो ट्राइपॉड तो बस मोबाइल से ही बना रहा हूँ ब्लॉग, तो पता नहीं कैसा बन रहा है, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा यार। ठीक है, तो फाइनली गाइस एक घंटे परेशान होने के बाद हमको आखिर मिल गई दुकान पंचर की, क्योंकि अच्छा। भैया जी जोड़ रहे हैं, भैया क्या नाम है आपका? सागर भाई। भैया मतलब कौन सा एरिया पड़ता है ये वाला? धवोटी है भैया साहब, मैं धवोटी में जुड़वा रहा हूँ। काले बारह खम्मा पड़ता ना इधर? हाँ, तो बारह खम्मा गया था मैं, बीच में आपको बताया था जैसा कि मैंने गाड़ी पंचर हो गई थी, तो एक घंटे परेशान होने के बाद अब मिली है दुकान, तो भैया जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद दोस्तों